हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में मैं तीन बड़ी खबरें डिस्कस करने वाला हूं एक जीवन प्रमाण पत्र पर बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा दूसरा एमएसपी और एक्सपे क्या लीव एनकेसमेंट में शामिल करते हैं ये सवाल था एक व्यूअर्स का तो मैंने देखिए इसको भी यहाँ पर शामिल किया है और तीसरा सवाल है ई सी एच एस रेफर वैलिडिटी जो है एक्सटेंड की गई है ये एमओडी का एक लेटर है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ तो ये तीन खबरें आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें देखिए पी सी डी ए पेंशन हैज़ डन ए पी आई इंटीग्रेशन विद एस बी आई स्पर्स पेंशनर्स हैविंग देयर पेंशन अकाउंट विद एस आई देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बहुत से पेंशनर्स हैं जो क्वेरी करते हैं पूछते हैं कि सर देखिए हम तो स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं क्या हम अभी भी बैंक में जाके अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं तो देखिए उनके लिए है स्पर्स पेंशनर्स हैविंग देयर पेंशन अकाउंट विद एस बी आई कैन विजिट एनी ब्रांच ऑफ एस बी आई अक्रॉस द कंट्री for submitting updating their annual life certificate therefore all the spurs pensioner having their account with sbi whose annual life certificate is still pending are requested to visit nearest sbi branch dekhi agar aapka migration jo hai spurs mein ho chuka hai lekin abhi tak या तो आपके पास पासवर्ड नहीं आया है यूज़र आईडी पासवर्ड की भी दिक्कत है या जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप देखिए आप नज़दीकी एसबीआई ब्रांच में वहां पर आपकी जो सारी क्यारी क्वेरी है वो समाप्त कर दी जाएगी दूसरा सवाल ये क्लैरिफिकेशन है डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन की तरफ से क्लैरिफिकेशन ऑन इंक्लूजन ऑफ ग्रुप एक्स पे इन लीव एंकेशमेंट तो यहां पर बताया गया है इट इज रिक्वेस्टेड दैट क्रिया जे सी डी एयरफोर्स हैश टेकन व्यू डेट पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेवन सी पी सी एक जनवरी 2016 हज़ार सोलह से एमएसपी एंड पे आर नोट टू बी टेकन एज रिकोनेबल एलोमेंट्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लीव एंकेस्टमेंट यानी 2016 से लीव एंकुस्टमेंट की कैलकुलेशन के लिए एमएसपी और एक्सपे को शामिल नहीं किया जाता है हैंस द एक्सेस प्राइज अमाउंट हैज़ बीन विद हेल्ड आउट ऑफ योर लीव एंकेस्टमेंट अगर देखिए किसी का लीव एंकेस्टमेंट का अमाउंट उसको ज़्यादा मिल गया है क्योंकि तो यहाँ पर उससे रिकवरी करने की बात कही गई है यहाँ पर बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो लेटर है पाँच जून 2020 का डेट एम एस पी एंड ग्रुप एक्स पे आर नोट टू बी इंक्लूडिंग इन द कैलकुलेशन ऑफ लीव एंकेस्टमेंट हैंस द अमाउंट विद हेल्ड इन यूवर इर्ला हैज़ बीन रिकवर्ड तो देखिए कुछ उन्होंने क्वेरी डाली थी कि देखिए हमारा ये पैसा काट लिया जाए तो उनको बताया कि क्या आपका अमाउंट जो है डिडक्ट किया गया है और तीसरी खबर देखिए यहाँ पर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ई सी एच एस जो एम ओ डी के अंतर्गत आता है यहाँ पर तेरह अक्टूबर दो हज़ार तेईस का लेटर है परमिशन फॉर ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ई सी एच एस बेनिफिशरीज अवेलिंग ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज हाइपर टेंशन एंड अदर कार्डिक डायबिटीज डिसीज डायलिसिस एंड कैंसर तो यहाँ पर देखिए बताया गया है एज पर पैरा ट्वेंटी फाइव ऑफ एस ओ पी ऑन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जो अट्ठारह सेप्टेम्बर दो हज़ार अट्ठारह का है डायलिसिस कैंसर चाहे रेडियोथेरेपी हो उसमें कीमोथेरेपी हो डायबिटीज हाइपर एंड अदर कार्डियक जो पेशेंट्स हैं दिस रेफरल विल रिमेन वैलिड फॉर 180 डेज यहाँ पर देखिए 180 डेज के लिए जो उनका रेफरल है वो वैलिड रहता है नंबर ऑफ सेशंस विल ऑल्सो भी स्पेसिफाइड यानी जो बोथ डेज वगैरह हैं यहाँ पर आपको इंक्लूड करने हैं डेंटल रेफरल वैलिटी हैज़ बिन इंक्रीज टू सिक्सटी डेज यहाँ पर देखिए डेंटल की वैलिडिटी थी उसको बढ़ाकर अब सिक्सटी दिन कर दिया गया है बोथ डेज इंक्लूसिव तो इट इज लर्न फ्रॉम द एनवामेंट दैट एक्सटेंडेड वैलिडिटी ऑफ रेफर ग्रांटेड टू क्रोनिक डिसीज एंड डेंटल केसेज एज पर पैरा टू जो ऊपर बताया कि वन एट्टी किसका है और सिक्सटी किसका है वो सही से एडहेर नहीं हो रहा है बाई सम पोलिक्लिनिक्स कोजिंग एंड अवॉइडेबल हेरासमेंट टू ई सी एच एस बेनिफिशरीज इट इज रिक्वेस्टेड टू इंप्लीमेंट द सब्जेक्ट मैटर इन लेटर एंड स्प्रिट फोर्थ विथ टू गेन डिजायर सर्टिफिकेशन लेवल ऑफ ई सी एच एस बेनिफिशरीज और ये यहाँ पर देखिए जारी किया गया था साइन आप देख सकते हैं श्रीकांत कुमार जी लेफ्टिनेंट कर्नल जॉइंट डायरेक्टरेट मेडिकल फॉर एम डी ई सी एच एस यहाँ पर ये जो है ऑनरी कैप्टन सुखबीर सिंह दहिया रिटायर्ड हैं उनको भी कॉपी किया गया है क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें निकल के कब आती हैं जब कुछ परेशानी होती है उन बोला कि आपके लेटर में बताया गया कि आप सिक्सटी रेफरल कर सकते हो लेकिन जब पॉलिक्लिनिकालते हैं बोलते हैं नहीं तीस दिन के लिए रेफरल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है ई सी एच एस बेनिफिशरीज़ को तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये जो लेटर्स हैं जारी किए जाते हैं और यही लेटर्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अगर आपको ये लेटर की कॉपी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैन स्कूल से ले सकते हैं फिर मिलेंगे आपसे जय हिंद जय भारत